काम है ना? जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो चलो अब गांव चलते हैं। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो काजू, तुम हमारे साथ खाना खा सकते हो। मैं कैसे खाएगा, मेरा खाना मास्टर जी के पास होता। तुम हमारा खाना खा लेना, राजू और जग्गू भी हमारे साथ खाएंगे। जब मुसीबत आया दोस्त को छोड़ के भागता, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। जग्गू, तुम जरा काजू पर नजर रखना, कहीं ये फिर कोई शैतानी ना कर बैठे। मेरा क्या गलती, भूख लगा तो मैंने खाया। मेरे को भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना। लेकिन हमको नहीं खेलना। कीचक, ये एक नंबर का बेवकूफ लगता है, इसका फायदा उठाना चाहिए। कैसे? इस लल्लू को अपने साथ खिलाने का झूठा वादा करके इससे आम चोरी करवाते हैं। अच्छा आइडिया है मन्नू, चल। अए सुन, क्या नाम बताया तूने अपना? काजू। सुन, तुझे उस खड़ूस मली राम के बगान से आम तोड़ने होंगे, बोल करेगा? तुम जो बोलेगा मैं करेगा, उसके बाद मेरे को तुम्हारे साथ खेलना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भीम, कीचक और मन्नू काजू से मली राम के बगान से चोरी करवाने वाले। चढ़ काजू, जल्दी चढ़। फिर से आम चुराने आ
कहाँ गए बच्चे? रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। मलिराम, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलिराम, गलती इसकी नहीं कीचक और मन्नू की है। उन्होंने काजू को बहला फुसला कर चोरी करने पर मजबूर किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा, और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। आम वापस करो सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं बल्कि मलिराम का। ये सारे आम उसके बगान के। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता आम उसी के। जो मुकाबला बोलोगे हम करेंगे, लेकिन अगर हम जीत गए तो चुपचाप सारे आम हमारे हवाले कर देना। ठीक है, जब देख लेना। अरे तुम्हारे आम और काजू को छोड़ दो। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला बच्चे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। आ चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता। भीम, अब मैं तुम सब के साथ क्रिकेट खेलेगा, ढोलक पर स्टाइल। हमारा भीम तो रोज हमारे लिए अच्छे काम करता है, वो तो इसकी तरह तोहफे या ये वो नहीं मांगता। करता होगा मदद, पर मुझसे बढ़कर नहीं हो सकता। इस बार इन्हें ये भी दिखा दूंगा कि भीम से बढ़कर है ये अफलातून। मोती को बचा लो, मेरी गलती थी, मोती कुएं में गिर गया, उसे तैरना भी नहीं आता। कालिया, रस्सी खींचे रखना, मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है। तुम ठीक हो? देखा, अफलातून के होते हुए इस गांव में किसी और की जरूरत नहीं है। मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा, कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है। पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया, पता नहीं चल रही है या नहीं। बाकी पृथ्वीवासी शायद ना टिक पाए, पर मेरी बात कुछ और है। मुझे इस नमूने को साथ ले जाएंगे।
पहले यहाँ का काम खत्म कर लें। एक एक पृथ्वीवासी को पत्थर बना देते हैं। सारा शरीर अकड़ गया। और ये है पत्थर से इंसान बनाने वाली गन। तुम्हें शुक्रिया कहना तो भूल ही गया। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया भीम। मैं तो सोच रहा था कि तुम हमारी क्रिकेट टीम में। कि अगर भीम और उसके दोस्त दिखे तो उनसे दूर चले जाना। हाँ, हमें उन बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। दूर हो चुटकी, तुम बताओ तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे ये रेंगने वाले कीड़े, केचुए और हाँ सांप से तो बहुत ज्यादा डर लगता है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रात में जब दीवार पर परछाइयाँ पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कोई भूत चुड़ैल है। ओहो, इसमें डरने की क्या बात है? एक कालिया तू बता, तुझे किसका डर है? हाँ? ओ, मैं शेर हूँ, शेर किसी से नहीं डरता। और हम भी किसी से नहीं डरते। क्या? हाँ, बस कालिया उस्ताद से डर लगता है। बाप रे बाप, ये कितना बड़ा महल है। आज चल के देखते हैं कि क्या हम इसमें रात बिता सकते हैं या नहीं। मुझे देखने दो। क्या मुसीबत है।
भी सबक सिखाता हूँ। शाम होने वाली है, चलो चलो, तब तो तुम दोस्त हुए। अरे मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। अब आ जाओ, अपना बदला ले लो। पर याद रखना कि चांद अगर एक बार भी बादल में छुप गया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे। चिंता मत करो, भीम को सबक सिखाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। माँ क्या हुआ? देख बाहर तीन राक्षस तुम्हें बुला रहे हैं, तू बाहर मत जा। माँ मैं भीम हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। कृष्णा भी तो किसी से नहीं डरते। कृष्ण की बात अलग है बेटा। माँ तू मुझ पर भरोसा तो करके देख, तेरा भीम नहीं डरता और हारता भी नहीं। ऐसे कितनी देर चुपके रहोगे भीम, डर लग रहा है क्या तुम्हें? तो पूरी पलटन आई है। भीम तो अकेला ही तुम पर भारी पड़ता, पर हमें लगा कि तुम लोगों को जल्दी निपटा देते हैं। क्या ये मजाल? ओह तो तुम्हारी शक्ति आग है। अरे गुस्से में लाल पीले क्यों हो रहे हो? मुझे जला कर बताओ तो मानूं। अच्छा तो लो मैं आ गया। पेलू तुमने मुझे मारा क्यों? चिल्लाओ मत। अच्छा नहीं तो क्या करोगे? ये दोनों समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर चांद बादलों में छिप गया तो ये तीनों वापस इंसान बन जाएंगे। सब इस भीम की चाल है। आ, ये क्या, मैं तो छोटा हो रहा हूँ। हमने देर कर दी, चांद को तो बादलों ने ढक लिया है। भागो! सत्यानाश! ये भीम हमेशा जीत जाता है, परेशान कर रखा है इसने मुझे। एक दिन मैं भीम को ऐसा हराऊंगी कि वो याद रखेगा, वो मुझसे डरने लगेगा। देखना डोलू बोलू मैं कैसे उसे इस बार हराऊंगा। तैरना
तो मुझ जैसे लंबे लोगों का काम है। जरूर तुम चीटिंग कर रहे हो। कालिया, वो एकदम सही खेल रहा है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक आखिरी दौड़ हो जाए, देखते हैं कौन जीतता है, सिर्फ मैं और राजकुमार धीर। जरूर, मैं तैयार हूँ। जो भी हारेगा वो जीतने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देगा। उस्ताद तो जरूर हारेंगे। और उस्ताद के फेवरेट है। आप हमें धीर को कैसे दे सकते हैं उस्ताद? ये गुब्बारा लाएंगे कहाँ से? चलो चलकर अभी चाचा से पूछते हैं, वही बताएंगे। हवा में उड़ने वाला गर्म हवा का गुब्बारा यहाँ मिलना तो मुश्किल है, लेकिन खुद बनाना आसान है। तो फिर हम अपने आप ही बनाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है और इसीलिए ऊपर जाती है। बस गुब्बारे में खूब सारी गर्म हवा भर दो तो गुब्बारा भी ऊपर उड़ेगा और उसके साथ साथ हम भी। तो चलो जल्दी जल्दी सामान जुटाते हैं। हाँ, समय कम है। राजू, चुटकी, तुम दोनों कपड़ा लेने जाओ। कालिया, ढोलू भोलू, तुम रस्सी, सुतली और सिलाई के लिए सुइयां ले आओ। गर्म हवा बनाने के लिए हमें एक बड़े बर्नर और सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। हिमोर जग्गू, तुम वो लाने मेरे साथ आ जाओ। चलो।
चोर नहीं, ये तो उस्ताद। देखो तुम दोनों ने क्या किया। माफ कर दीजिए उस्ताद, लगा चोर है। ये देखो तुम बेवकूफों ने क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये सितारे कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते, या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। हाँ। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी इनके पीछे पीछे जाना होगा। ओए हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते। लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, जान तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब।